हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकेंड ईयर फिजिक्स, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, और इसके हमने देखने हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सरसाइज में ना हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बारी बारी हम हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जी इधर मैं लिखता हूँ, मतलब उसे मैं पढ़ता हूँ, इधर रीड करूँगा, आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में उसे रीड कर सकते हैं, और देन फिर उसका एक आंसर देखते हैं कि क्या होगा उसका आंसर, और उस आंसर की रीज़न भी देखते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है जी, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। अब वो पता है एटम पर डिफरेंट थ्योरीज आई, ठीक है, और उनमें जो सक्सेसफुल थ्योरी उस वक्त जो रही वो थी बोहर की थ्योरी, और वो बोहर की थ्योरी के ऊपर ना कुछ अजम्पशंस हैं, यानी कि चीज़ों का ज्यूम किया हुआ, कन्फर्मेशन नहीं है, अजम्पशन है, अज्यूम किया हुआ। ठीक है, और डू एनी ऑफ दीज अजम्पशंस कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स। तो बोहर की मैं सबसे पहले तो बोहर की जो थ्योरी का मतलब जो हमारी बुक में 3 पास्टुलेट है, उस पास्टुलेट के अंदर एक पास्टुलेट तो ये था कि डू नॉट रेडिएट इनर्जी इन ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा पास्टुलेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम, वो था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट या एच ओवर 2π। ठीक है, और तीसरा था कि जो इनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा इज इक्वल टू एच ओवर होगी एन माइनस ई पी। ठीक है, ये 3 थे। तो पहला था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो ना इनर्जी अब्जॉर्ब करता है और ना ही इनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, और दूसरा था कि एंगुलर मोमेंटम अज्यूम किया हुआ एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच कट, और तीसरा था इनर्जी कंजर्वेशन कि भाई जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा या उधर से नीचे आएगा तो वो इनर्जी तभी अब्जॉर्ब करेगा और तभी इमिट करेगा, कि डिपेंड करता है कि उन दोनों के शेल्स के एनर्जी के डिफरेंस के। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, ये तो ओबेयर है, कंट्राडिक्ट करता है ये पहले वाला, कैसे करता है ये देखते हैं। पहले वाला कंट्राडिक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, ये तो आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और जब एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है एक्सेलरेट, देन इट एमिट्स रेडिएशन। तो वो क्या एमिट करता है जी, रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर है, मैक्सवेल की जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 16 में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन, जिसमें कहा था कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या डीएक्सेलरेट करेगा तो वो क्या निकालता है अपने अंदर से, रेडिएशंस। लेकिन बोहर ने कहा था कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये आपका एक शेल है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जब तक इसके अंदर रिवॉल्व करता रहेगा ना ये एनर्जी रेडिएट करेगा ना ये एनर्जी इमिट करेगा। अब चूंकि ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल की एक एक्सेलरेशन होती है जिसका नाम हमने पढ़ा था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, याद आया। तो यार जो भी है एक्सेलरेशन तो है, और अगर एक्सेलरेशन है तो इसको क्या इमिट करनी चाहिए, रेडिएशन। लेकिन ये एक सर्कल में रहते हुए अपने ऑर्बिट में रहते हुए किसी भी किस्म की रेडिएशंस को क्या नहीं करता, ना इमिट करता है ना अब्जॉर्ब करता है। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि भाई ये करेगा, और ये वाला बोहर की थ्योरी कहती है कि ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका पहला पास्टुलेट है ये कंट्राडिक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एनर्जी को इमिट नहीं करता ना ही अब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ तब करेगा जब तीसरे पास्टुलेट पे आएगा, या तो ऊपर जाएगा हायर ऑर्बिट में, जब ऊपर से नीचे आएगा तो तब इमिट करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि आपके पास जब लाइंस स्पेक्ट्रम, तो आपको पता है ना कि वो बैंड्स ऑफ सीरीज ऑफ कलर्स है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या है कि हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर ना डिफरेंट लाइंस ही बन जाती हैं, ऐसे
वो लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं, वो स्पेसिफिक एलिमेंट को इंडिकेट करती हैं। यानी कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज द फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट, ऐसे कह लो इसे आप। ठीक है जी, तो ये फिंगरप्रिंट है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। वो कहता है कि इसका मैं आंसर भी इधर आपके पास डिफरेंट आपने की बुक्स होंगी, तो इसको मैं इधर पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट फोटॉन एंड रिलीज द एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी फॉर्म स्पेक्ट्रम ऑफ डेफिनेट स्पेक्ट्रम, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अ स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन, थस वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट बिकॉज ईच करेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ। ठीक है, अब ये आपको समझाना है कि ये पॉइंट किस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज कर लो ये एटम है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, कोई भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उसका ही एलिमेंट, इसके ऊपर आपने क्या फेंकी, वेव फेंकी, लाइट फेंकी, फोटोन फेंकी। ठीक है, कौन सी लाइट फेंकी, वाइट लाइट फेंकी। मैंने कहा वाइट लाइट क्यों फेंकी, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर ना हर किस्म का कलर है, मतलब मिक्सचर भी कर ले तो उसके अंदर 7 कलर्स हैं, लेकिन वो 7 कलर डिस्क्रीट नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, फिर अगला कलर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर कम होता है ऐसे। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज इधर से आ रहे हैं हमारे पास, सपोज कर लें कि भाई हमारे पास इधर 7 कलर्स आ रहे हैं। अब इसने क्या करना है कि इसका ऑर्बिट कुछ यूं बना होगा, ये एटम है तो ये हकीकत में यूं होगा, ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर शेल्स होंगे ऐसे करके। अब होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर से कोई एक फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करने के बाद किसी हायर लेवल में चला जाएगा। अब इन दोनों का हायर लेवल और किसी और एलिमेंट का हायर लेवल ये सेम नहीं होगा, बल्कि इन दोनों की एनर्जी का होगी डिफरेंस, इन दोनों के शेल की, यानी कि पहले और दूसरे शेल की, इस एलिमेंट के और किसी और एलिमेंट के पहले और दूसरे शेल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो दोनों में सेम नहीं होगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप का अब्जॉर्ब हुआ, और जब ये वापस हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये डिफरेंट लेवल का ही क्या करेगा, इमिट करेगा, तो फिर इधर डिफरेंट कलर्स की लाइंस के कलर्स बनेंगे, लाइंस बनेंगी लेकिन वो कलर्स की होंगी। अब अगर कोई और एलिमेंट है, जैसे फर्ज कर लें कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है तो इसके अंदर कुछ यूं कलर्स बन रहे हैं यूं करके, ठीक है, और जब मैंने किसी और पर करना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर भी ऐसे बने, उसके अंदर मे बी शायद कुछ यूं बने यूं, तो ये जो लाइंस हैं ये डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम हमारे पास इधर बनेगा, यानी कि जो बैंड्स की जो सीरीज सी कलर्स की बन रही है, ये सबके लिए कैसी बनेगी फिर, डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होते हैं, इसलिए इधर से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कौन सी किस्म का क्या है एलिमेंट, बिकॉज इट इज़ द फिंगरप्रिंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन अब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, तो ये हाइड्रोजन का मैं एटम बनाता हूँ, तो इसका पहला शेल है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर ना बेशबहा शेल है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इन्फिनिटी वाला शेल मैं ये रेड से बनाता हूँ, लेट्स सपोज ये हायर लेवल पर, तो इसका जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास जो एनर्जी होती है ना इस वक्त ग्राउंड स्टेट में होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अंदर तो कहता है क्या ये इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, अगर किसी चीज़ की एनर्जी जीरो हो जाए ना तो हम कहते हैं भाई वो फ्री हो गया। ठीक है, एनर्जी जीरो हो जाए तो वो फ्री हो गया। अब कैसे, जैसे कि आपके पास एक रबड़ है, आपने उसे खींचा हुआ है, उसमें तनाव है, या स्प्रिंग है उसे खींचा उसमें तनाव है, उसमें एनर्जी है, उसे कंप्रेस किया तब भी एनर्जी है, लेकिन जब आप उसे फ्री फॉर्म में छोड़ दोगे तो उसके अंदर एनर्जी नहीं जीरो हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको इतनी एनर्जी दें कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाए, तो आपको कहोगे सर ऑब्वियसली इसको मैं कितनी एनर्जी दूंगा, इसको आपको कहोगे सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस की, तो आप इसको इतनी ही प्लस में एनर्जी दे दो, तो टोटल एनर्जी आप इसकी कर दोगे जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि उस वक्त ये क्या हो जाएगा, फ्री। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर अपने आप को फ्री कर सकता है इस एटम के चुंगल से। इस चीज़ को हम अपनी जुबान में बोलते हैं, फिजिक्स की जुबान में, आयनाइजेशन, कि एटम वो क्या हो जाएगा, आयनाइज, वो उससे हम उसका इलेक्ट्रॉन, इकलौता इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या
एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ी हो सकती है? हमने कहा भी हो सकती है। उसने कहा फिर बाकी कहाँ जाएगी? तो अगर सपोज कर लो ये हो जाए, मैं अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि आपने इसे 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इधर बचेगा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। उसने कहा सर फिर ये एनर्जी क्या बनेगी? जब आप इसे देंगे ना 13.6, तो वो इधर आकर बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप बाकी दोगे तो वो बाकी एनर्जी ये बना लेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी और उससे लेकर भागना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि 13.6 से वो निकल जाएगा चुंगल से, और जो बाकी उसके ऊपर की एनर्जी बची, ये हाइड्रोजन के लिए सिर्फ, तो जो उसके ऊपर की एनर्जी होगी हमारे पास, वो वाली एनर्जी क्या करेगा, वो उसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है, हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइन्स व्हेन हाइड्रोजन कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। भाई बड़ा मजे का सवाल है। वो कहता है कि जब हमने स्पेक्ट्रम देखा किसका, हाइड्रोजन का, तो उसके अंदर हमें इस तरह की सीरीज नजर आई, ये इस तरह के बैंड्स नजर आए ऐसे करके। हालांकि ये बैंड, एक बैंड का मतलब यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, किसी ऑर्बिट से इधर आया या इधर से इधर आया, ट्रांजिशन किया है। तो जब वो हायर से लोअर आता है तो एक एनर्जी का फोटोन इमिट करता है, जो कि इधर एक कलर की शक्ल में बनता है। अब वो कहता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, लेकिन इसके जो स्पेक्ट्रम है उसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर ये लेट्स सपोज आपके पास न्यूक्लियस है, तो इसके गिर्द ये शेल्स हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका शायद किसी हायर ऑर्बिट में गया हो, और जब वो हायर ऑर्बिट में आए तो वो शायद डायरेक्टली पहले में ना आए, वो ये हो सकता है इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, और इधर से इधर आए। ये भी हो सकता है वो इधर से डायरेक्ट इधर आए, इधर से डायरेक्ट इधर आए। अब वो काफ़ी मल्टीपल है हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस बनती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांजिशन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पाथ से आ रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, एक फोटोन आ गया, इधर से इधर एक, इधर से इधर एक, इधर से इधर एक, फिर इनके मुताबिक ऐसे और ऐसे, फिर डायरेक्ट, लेकिन वो स्टेप्स में आ रहा था चूंकि मल्टीपल फोटोन इमिट हो रहे हैं। अब मल्टीपल फोटोन के चूंकि कलर्स डिफरेंट क्यों आएंगे, क्योंकि हर एनर्जी लेवल का डिफरेंस एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट। तो जिसकी वजह से, डिफरेंट होने की वजह से हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ी थी इज इक्वल टू एच एफ, तो सब एनर्जी डिफरेंस होगी तो सबकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होगी तो सबके कलर्स भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ट्रांजिशन नहीं करता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन की वजह से वो अपने अंदर बैंड्स बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके स्पेक्ट्रम में बैंड्स बनते हैं, ब्रांड नहीं बनते, बैंड्स बनते हैं। इज एनर्जी इज कंजर्व व्हेन एटम इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। वो कहता है क्या एनर्जी कंजर्व होती है जब एक एटम फोटोन को इमिट करता है। ठीक है, तो ये बोहर का थर्ड पास्टुलेट भी है, वो इधर फिर मैं ये एटम बनाना पड़ गया, ये एटम है। अब इसके अंदर हमारे पास ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, और ये तीसरा ऑर्बिट है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जो ये वाला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी है E1, इसकी एनर्जी है E2, इसकी एनर्जी है E3। तो कहता है कि जब एक एटम फोटोन इमिट करता है तो क्या एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ओबे होता है? एग्जैक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ओबे होता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन बेचारा जिंदगी का मारा इधर था, तो वो बदकिस्मती से इधर चला गया फोटोन को अब्जॉर्व करके। अब जब वो वापस आएगा तो आपको पता है जब भी वो हायर ऑर्बिट से, बोहर के मुताबिक हायर से लोअर में आता है, तो एक फोटोन को इमिट करता है। अब ये जो फोटोन होगा इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी इज इक्वल टू एच एफ, वो बराबर होगी इन दोनों स्टेट के E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस की। अगर वो फर्ज कर लो इधर से इधर आता तो फिर जो एनर्जी होगी अच्छा वो होगी E3 माइनस E1, यानी कि एनर्जी सिर्फ क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी चाहे जिस भी ऑर्बिट से आए। अगर आपका जो फोटोन है या जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो इधर से इधर आए, तो इस रेंज का, यानी कि ऑर्बिट से थोड़ा नीचे, तो इस रेंज का फोटोन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस इतना है ही नहीं। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी टोटली ओबे होगा, अगर नहीं होगा तो फोटोन इमिट नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया जी 5। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है, एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड व्हाई दैट गैस इज कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ, गिव अ रीजन व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट टू अदर वेवलेंथ्स। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 और जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो फिंगरप्रिंट वाला, लाइन स्पेक्ट्रम वाला जो था ना, उसके मिलता जुलता है। अब इसको जरा देखते हैं। वो कहता है कि
हमारे पास जब आप एक कोई भी गैस को, ग्लोइंग गैस को रखते हो सर्टन वेवलेंथ लाइट, और ये अब्जॉर्ब भी उसी तरह की लाइट को करती है। अच्छा, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे कि फ़र्ज कर लो ये मेरे पास कोई भी एक ट्यूब है, इसके अंदर कोई भी गैस है, इसको पोटेंशियल दिया, इसके अंदर से इलेक्ट्रोड से नोड की तरफ वो गए और रास्ते में गैस थी, गैस से आपके इलेक्ट्रॉन टकराए और ये गैस ग्लो करने लगी। और लेट्स सपोज इस गैस से आप कहते हैं सर ब्लू कलर की लाइट निकल रही है, ठीक है, ब्लू कलर की लाइट इस गैस से निकल रही है, तो ये क्वेश्चन आ गया ब्लू से। अब वो कहता है कि अगर लेट्स सपोज इधर आपने एक लाइट का सोर्स है, इधर से लाइट आ रही है ऐसे करके, और इधर आपने उस गैस को रख दिया, यही गैस को, लेकिन वो ग्लो नहीं कर रही, तो जब इधर से निकलने के बाद ये लाइट आप प्रिज्म में से गुजारोगे तो आप देखोगे कि इधर सारे कलर्स होंगे इस वाइट लाइट के, बट कौन सा कलर नहीं होगा, एक कलर की जगह एक गैप बना होगा, वो कलर वही होगा जो इसने इमिट किया था। समझ आई कि जो इमिट किया होगा ये वाइट लाइट का, सिर्फ वही कलर क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। अब वो कहता है ऐसा क्यों है, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं ऐसे क्यों करूँ, ठीक है। अब वही क्वेश्चन का आंसर आपके पास उधर से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो गैस है ये होगा कि इसका जो डिफरेंस है एनर्जी का इधर, वो मे बी जस्ट बना हुआ है किसके लिए, ब्लू के लिए। अगर इधर से पीछे से आने वाला फोटोन उसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस से कम है तो ये एटम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा भाई तू निकल। लेकिन अगर ये डिफरेंस एग्जैक्टली लाइक ब्लू कलर के बराबर का है तो वो इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी अब चूंकि वाइट लाइट फेंकी थी तो वाइट लाइट के अंदर तो सारे हैं, तो वो क्या करेगी, ब्लू वाले को अब्जॉर्ब कर लेगी, खुद ले लेगी, इलेक्ट्रॉन को लोअर से पहुंचा देगी हायर में और बाकी वालों को जाने देगी, और बाकी वालों की वजह से इधर क्या होगा, सारे कलर आ जाएंगे वाइट लाइट के, सिर्फ कौन सा कलर नहीं आएगा, वही जो इसने अब्जॉर्ब किया था। और जब आप इसी गैस के साथ उल्ट प्रोसेस करोगे तो ये वही इमिट करेगी जितना एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि हायर से लोअर जब वापस इसका इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये उसी डिफरेंस की वेवलेंथ इमिट करेगा जो कि हमारे पास इस कंडीशन में क्या है, ब्लू है। तो इसलिए एनर्जी का डिफरेंस इसमें फिक्स है, इसलिए ये वही कलर अब्जॉर्ब करती है और वही इमिट करती है, और बाकियों के लिए अपने आप को कैसा शो करवाती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है अपने में से गुजरने देती है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, व्हाई डू वी मीन व्हेन वी से दैट एटम इज एक्साइटेड, एटम एक्साइट हो गया भाई आज बड़ी एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट मतलब बोलो खुशी, एनर्जी ज़्यादा है, क्या मतलब बना कि जब एटम एक एक्साइट होता है इसका क्या मतलब होता है, ये देखो ये एक मस्त एटम है, ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इधर से आपने एक फोटोन फेंका, अब आपको पता है कि एटम के साथ उसका लेना देना नहीं है, उसने क्या करना है, इस एटम के अंदर पड़े हुए इस इलेक्ट्रॉन को, इधर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कुछ यूं कर देना, इसको लोअर ऑर्बिट से उठाकर इधर फेंक देना, तो इसका मतलब है कि ये फोटोन ने अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र किया और ये लेकर इस एनर्जी डिफरेंस के मुताबिक हाई स्टेट में चला गया। तो ओवरऑल ये देखो कि आप अपने घर में एक कमाने वाले शख्स हो, तो आपके घर में आपने कुछ पैसे कमाए, लेट्स सपोज 10,000, तो वो जेब आपकी जेब में पैसे आ गए। अब मुझे बताओ कि बाहर वाला जो बंदा है वो यही देखेगा कि इस फैमिली के पास पैसे आए हैं, उसको तो यही लगेगा ना इस पूरी फैमिली के पास पैसे आए। सेम यही होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेगा तो वो एनर्जी सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को नहीं मिली, बजाते खुद उसकी पूरी फैमिली को मिली। इसका मतलब है कि एटम अपनी लोअर स्टेट से उठकर कहाँ चला गया है, हायर स्टेट में, वो हमें ये लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में उसके अंदर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन गया होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई इस एटम के पास इन बाकी एटम से क्या है, ज़्यादा एनर्जी। इसका मतलब होगा कि हम कहेंगे कि एटम क्या हो गया है, एक्साइट हो गया, ठीक है। तो अगर ये एटम है ए, ये प्लस फोटोन लेने के बाद ये बन जाएगा ए स्टेरिक, हम इसे ये कह देंगे कि भाई ये एक्साइट हो गया। स्टेरिक का मतलब होता है कि एक्साइटेड स्टेट में होना, या ये अगर एटम है तो ये हायर स्टेट में गया तो हम इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ये एक्साइटेड एटम है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया जी 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कैन एक्स रे बी रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड जस्ट लाइक अदर वेव्स, एक्सप्लेन। यार पीछे वाला चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है, इसके अंदर भी देखा कि जो एक्सरेज हैं वो हमारे ये 7 लोगों का ही मेंबर है, इन 7 लोगों का मेंबर है, रेडियो माइक्रो आईआर विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरे, तो जाहिर सी बात अगर इनका मेंबर है तो ये सारी क्या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव के पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं कौन सी, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की
पोलराइजेशन की वेव सबके पास नहीं होती, ये पोलराइजेशन वाली होती हैं ट्रांसफर वेव के पास, ठीक है, चूंकि ये सारी ट्रांसफर वेव है तो पोलराइजेशन की, फिर डिफ्रैक्शन की, तो एक्सरे सेम रिफ्लेक्शन करती है, इनकी टकरा कर किसी दूसरे मीडियम से वापस आ जाती है, किसी मीडियम के अंदर भी चली जाती है, रिफ्लेक्शन पोलराइजेशन, इसके प्लेन्स पोलराइज हो सकते हैं, वो इसको छोड़ दो अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब एक्सरेज आई हैं तो ये बेंडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमें बड़े लेवल पर नज़र नहीं आता, बिकॉज ऑफ एक्सरेज हैज स्मॉल वेवलेंथ, बस उसकी वजह यह है कि एक्सरे की वेवलेंथ इतनी कम है, वेवलेंथ इधर जाते हो बढ़ रहा है, सबसे कम फिर गैमा की है, तो वेवलेंथ इतनी कम है कि ये चीज़ें हमें इधर बड़े लेवल पर नज़र नहीं आती, लेकिन आल दो चूंकि ये वेव है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ करती है, तो एक्सरे डायफ्रेक्शन से हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये डायफ्रेक्शन कर रही है तो एक्सरे भी क्या हुई है, किस्म की वेव हुई, कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 8। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट, लेज़र लाइट आपने देखी होगी ऐसे एक दूसरे की आंख में भी मारते हो, गन्स पे भी लगी होती है वो वाली लेज़र, ठीक है, और ऑर्डिनरी लाइट जो इस वक्त रूम में है, इसमें क्या मतलब आपके मुताबिक क्या एडवांटेजेस हैं लेज़र के, लेज़र के अंदर तो एक चीज़ तो इधर लिख देते हैं पॉइंट मोटे मोटे, एक होती है मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर की, दूसरा ये कैसी होती है इंटेंस, तीसरा यूनी डायरेक्शनल, देखो मोनोक्रोमेटिक एक कलर होता है यानी कि लेज़र आप जो भी लोगे एक कलर की मिलेगी आपको, दूसरा इंटेंस, आप देखते हो कि ये बहुत इंटेंस होती है, तो अक्सर ये कहते हैं कि भाई इसे आँख में ना मारे क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी आँख को जला सकती है, अंदर से इसके जो रेटिना को डैमेज कर सकती है, इतनी इंटेंस होती है, हाई इंटेंसिटी की जो होती है, यूनी डायरेक्शनल, अगर आप आम लाइट की बात करें तो आम लाइट का अगर ये सोर्स है तो वो यूं फैलती है, लेकिन अगर आप लेज़र की बात करें तो यूं मारा है तो वो बिल्कुल सीधी जाएगी एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट लिख देते हैं कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब ये है कि जब इस सोर्स से जो फोटॉन्स निकलते हैं वो कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई ऐसे निकल रहा है, कोई पहले निकल आया, कोई बाद में निकल आया, तो इन सबका फेस क्या होता है डिफरेंट, लेकिन इसके अंदर जो फोटॉन्स निकलेंगे वो सारे एक जैसे निकलेंगे और सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा सेम, या सबका जो फेज क्या होगा सेम होगा, इसको बोलते हैं कोहेरेंट होना, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन व्हाई द लेज़र एक्शन कुड नॉट अकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स। अच्छा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि ये आपके पास है जी एटम्स पड़े हुए इधर मस्त लोअर ऑर्बिट्स में, ठीक है, यानी कि लोअर लेवल्स में इनके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि आपने इनमें से किसी एटम को एक्साइट कर दिया, वो बेचारा उसका इलेक्ट्रॉन उठा वो हायर में चला गया, तो हम कहेंगे भी वो एटम भी कहाँ चला गया है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है, इसको कहते हैं कि भाई एटम एक्साइट हो गया, नॉर्मल इन्वर्जन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि एक फोटोन आएगा, वो जैसे ही आएगा ये नीचे गिरेगा तो दो फोटोन निकलेंगे, ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें इंटेंस फॉर्म में मिले यानी कि मल्टीपल फोटॉन्स मिले सेम इस तरह, ये वाला काम ना हो, तो उसके लिए हमें चाहिए कि ये सारे के सारे, और इस इमिशन को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एटम्स एक्साइटेड स्टेट में और बहुत इक्का दुक्का कहाँ पड़े हों ग्राउंड फॉर्म में, ठीक है, तो इधर से जब फोटॉन आएगा तो जब आएगा तो स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा सब पे, तो ये इन सब से क्या निकलेंगे फोटॉन्स, तो ये सारे फोटॉन्स जब ऐसे निकलेंगे तो इससे बनने वाली कोहेरेंट लाइट बन रही है हमारे पास, ठीक है, तकरीबन हम कह लेंगे कोहेरेंट, और सारे फोटॉन्स एक डायरेक्शन में चल रहे हैं यूनि डायरेक्शनल होगी, सब सेम डिफरेंस पर गिर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक होकर, सब इकट्ठे आ रहे हैं तो इंटेंस, तो इसलिए इससे बनने वाली लाइट क्या कहलाती है लेज़र, ठीक है, तो इसलिए लेज़र के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादातर ऊपर वाली स्टेट में हो, इस प्रोसेस या इस चीज़ को हम इधर बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट, तो ये नॉर्मल स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में गया, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 20 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े आसान शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हें आप तैयार कर ले, बोर्ड में भी ये आते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में पूछें, थैंक यू।